खमनोर थाना क्षेत्र में सायो का खेड़ा ग्राम पंचायत में लापता हुए दो बच्चों का शव कुएं में मिलने के बाद ग्रामीणों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां पुलिस ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर आक्रोशित ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताते हुए हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हत्यारे सीखचों के पीछे नहीं आ जाते, तब तक शव नहीं उठाया जाएगा। रात भर सीएचसी के बाहर बैठे ग्रामीण रविवार सुबह करीब 9 बजे थाने का घेराव करने पहुंचे। मामले को बढ़ता देख एसपी शिवलाल बेरवा, डिप्टी जितेंद्र आंचलिया और खमनोर थाना अधिकारी नवल किशोर समझाइश करने मौके पर पहुंचे। पुलिस ने रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करने की अपील की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी है और इसके बाद भी पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है, इसलिए जब तक बच्चों की मौत का खुलासा नहीं होगा, तब तक शव नहीं उठाया जाएगा। फिलहाल शव को नाथद्वारा अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया है और खबर लिखे जाने तक हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किए जा रहे धरना प्रदर्शन को समर्थन देते हुए क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौके पर मौजूद हैं। वहीं पुलिस समझाइश में लगी है। आसमंद की निकल राजस्थान तक आज पहुंच गई और मैं आप सब ने हाथ जोड़ 3600 में निवेदन करूं, आपने आज दो बच्चा है आपका सवाल खड़ा कर दिया राजस्थान का बच्चा हुआ आज तो दुख लोगा में भेज रहे आपने, मैं प्रशासन ने हाथ जोड़ क्यों आगे भी लिपापोती खड़ी हुई इनमें राजनीतिक वजह है। आपने टोटल समाज ने तो हाथ जोड़ निवेदन करूँ जितने अपना बच्चा ने न्याय नहीं मिले उतना आप नहीं आगा। मैं लाखों का आंदोलन करेगा, 5-5 लाख लोगों ने खड़ा कर लड़ाई लड़ ली, लेकिन आंदोलन खत्म जाए मुझे कई नहीं लियो जी को आपने निवेदन करूँ कि अपना बच्चा गुरुदुख में आज हमारा माता पिता बने के अपने गांव में रोज न्याय दिलाओ, पर आज बैठे जहाँ न्याय दिलावे ये आप दो ही बच्चा है। आप सब ने अपना माता पिता के समय जतरे पुलिस प्रशासन आरोपी ने गिरफ्तार नहीं करे जितने आप दो मासूम बच्चों की जान जाना, मतलब अगर अखबार को पढ़ो तो पूरे समाज में इतना विभक्त मैसेज जा रहा है। पहली बात तो कि 8 साल बाद तो बच्चे का जन्म हुआ, मतलब मनमौती के बाद तो उस परिवार के साथ कितना बड़ा आघात है। और कल जब ये बात मैंने सुनी तो मैं खुद रात को 1 बजे तक कैंप करके जितना बेस्ट हो सकता है कि आज रात को ही अपन नतीजे तक पहुँचे ताकि कल आप लोगों को ठीक है। उसी कड़ी में आज फिर इन्वेस्टिगेशन का पास शुरू करेंगे, लेकिन अब हमारे सामने एक समस्या जो है कि मानव शरीर मासूम बच्चों की शरीर अभी जो हमारे संस्कारों के उसके जो डिप्ट साहब ने कहा है उस पर आप लोग आराम से बात कर लें और मुझे बता दें, अंदर बैठे हैं हम लोग। रही बात पुराने मुकदमों की तो मैं आपको कमिटमेंट करूँगा, ये तो खोलेंगे ही खोलेंगे, पुराने भी खोलेंगे। पहले अगर ज्वाइन किया है तो बहुत ज़्यादा मैं फाइलों को नहीं देखा, बाकी मैं दावा करता हूँ वो पुराने मुकदमे भी खोलेंगे। कोई पानी में गिर के टंकी के पास वाला हादसा तो मुझे पता है, उस पर भी हम बात करेंगे, वो भी है एक बच्चे का और जो भी है अपन डिस्कस कर लेंगे। 2-4-5 आदमी आप मिलते रहेंगे, मैंने किया ज्वाइन किया आप लोग मिलते रहेंगे, पुराने पर भी हम बिल्कुल 100% काम करेंगे और उसको भी खोलेंगे, ये नहीं काम ही करेंगे बिल्कुल उस पर ही खोलेंगे। टाइम जरूर लगता है, कड़ियाँ जोड़ने में समय लगता है, लोगों को कहने में जो जैसा अभी डुप्सा ने बहुत बड़ी बात कही कि एक्स की जगह बाई ने चले जाए, ये मैं कह रहा हूँ ना कि भारतीय न्याय व्यवस्था में ये बड़ा देखा जाता है कि निर्दोष आदमी को गलत सजा ना, उनका जब तक उनकी गति नहीं सुधरे मेरा ये है। फिर भी आपकी बात पर मैं सहमत हूँ, अगर उसके पिता आप 5 कोई भी आदमी आ जाओ बड़े भी मेरे को कह देंगे कि मेरे बच्चों की तो बिगड़ने दो गति, हो गया ये ऐसा है वैसा है, ये भी जो हुआ बच्चे वो भी एक ईश्वर का वरदान था और जो हुआ वो भी एक ईश्वर को जो मंजूर था हुआ, और आगे गति बिगाड़नी है यार ये खेल तमाशा करना है बच्चा कैसे का उसका लड़के का बाप, तो हम तैयार हैं कोई दिक्कत नहीं। पर ये इस तरह की मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, जो बैठे वो दिल से उसको बालू सिंह को इसमें से 20% मेरी बात समझना, एक मिनट के लिए बंद कर दो। आज अभी कोविड चल रहा है, क्या चाहते हैं आप? अभी हम न्याय चाहते सर, हाँ तो हमको न्याय मिले जल्दी से जल्दी, हम बोली ले जाएंगे। हाँ जो 6 जनों का 5 जनों का हमने नाम लिखवाया था वो भी इन्विटेशन किया नहीं उन लोगों ने, एक को लाके बैठा दिया बाकी घूम रहे हैं। हाँ
बच्चों पे क्या लगता है? उसका अच्छा सा लगता हूँ। तो अब ये पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले ऐसे बोल रहे हैं कि आपने नाम लिखवा दिए पहले। मैंने बोला सर नाम लिखवाए थे लेकिन आपने कहीं कहाँ रख दिए, बॉडी उठा लो आप, हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने बोला हमारी मांगे वही है कि आप लाओ मुजलिम को, हम बाद में बॉडी ले जाएंगे। सायो का खेड़ा गांव में दो बच्चों की कल डेड बॉडी मिली है, डेड बॉडी निकाल ली, कल पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। परिजनों का ये कहना है कि जो संदिग्ध है उनको गिरफ्तार करें, उनको कन्विंस कर रहे हैं हम लोग कि डेड बॉडी का डिस्पोजल हो, उसके बाद पुलिस टीम पूरे इस पूरे जो अपराध की नज़र से इस घटना को देख रही है और जो भी मुजरिम होंगे जल्दी पुलिस के द्वारा खुलासा कर दिया जाएगा। परिजन अभी काफ़ी हद तक सहमत है कि हम लोग उनका दाह संस्कार के लिए वो निकले गए। सर पांच जनों के बारे में बता रहे हैं, कोई पांच जने हैं जो ये अनुसंधान का विषय पांच है छः है। अनुसंधान के दौरान कई लोगों से पुलिस के द्वारा अलग अलग टीमें बना के पूछताछ की जा रही है और परिजनों के द्वारा पांच लोगों का नाम लगाया है बताया है। उनकी लोकेशन कहाँ थी, किस समय वो गांव में थे, किन से संपर्क में थे, उनका मोबाइल कहाँ था, उनका CDR एनालाइज करना है, उनसे पूछताछ करनी है, लंबा और अनुसंधान का भाग है, उस संबंध में पुलिस अपना काम करती है। सर परिजन जो है अभी बॉडी को उठाने के लिए सहमत नहीं हो रहे हैं, उस बारे में क्या कुछ कहेंगे सर? परिजनों को वही समझाइश कर रहे हैं कि अनुसंधान जो है वो एक अलग पार्ट है और बॉडी का मृत शरीर का को इस तरह से रखना एक तरह से अपमान की श्रेणी में आता है और वो कतई हिंदू विधान के मुताबिक भी सही नहीं है और मानव शरीर के मुताबिक भी मतलब शरीर का मतलब समय पर भी क्रियाकर्म हो तो ज़्यादा उचित रहता है, उसी के लिए हम कन्विंस कर रहे हैं और पुलिस को भी मतलब एक तरह से इन लोगों के साथ एंगेज होना पड़ रहा है जो कि अनुसंधान में गाड़ी को